बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और आप सब लोगों ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है और हमारे लिए ढेर सारी दुआएँ करनी है। तो सब लोगों को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, तो आज के व्लॉग में हम लोग बना रहे हैं सालन। सहरी के लिए सालन बन रहा है और जी ढाबा स्टाइल चने की दाल बन रही है। और ये चने की दाल जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, बहुत मज़े की वो दाल बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमने ये आधा किलो चने की दाल उबाल के रखी है। हमने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, अब क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या डाल रहे हैं? ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा हमने, ठीक है। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे इन्होंने प्याज अदरक लहसुन को चॉप किया हुआ है और ये इन्होंने डाल दिया है जी। अच्छा जी, इसे ब्राउन करना है? हाँ जी, आँच थोड़ी सी नॉर्मल रखनी है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वो जल जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या है? ये हमने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। कितने टमाटर हैं? दो टमाटर हैं। और सात दही? सात दही। दही कितनी है? दही भी तकरीबन एक प्याली। एक प्याली है, तो आपने एक में ही दोनों चीज़ें क्यों पीनी है? ताकि आपको बर्तन कम धोने पड़े। अच्छा जी, मेरा ख्याल भी किया जा रहा है। एक ही प्लेट में देखें जी इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी समझदारी से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने टमाटर और दही को एक ही प्लेट में डाला हुआ है ताकि मुझे बर्तन ज़्यादा ना धोने पड़े। थैंक यू जी। हो गए? चलें जी, अब ये ब्राउन इतने हो गए, अब आप क्या डालें? अब हम टमाटर और दही डालेंगे सब। ठीक है, अच्छा जी, अब प्याज में इन्होंने डाल दिए हैं जी टमाटर और दही। अच्छा, ये दाल जो आप बना रहे हैं कौन सी वाली बना रहे हैं? भुनी हुई बना रहे हैं या शोरबे वाली? भुनी हुई बना रहे हैं। भुनी हुई चने की दाल बना रहे हैं। कितनी देर में बन जाएगी? कितनी देर में बनेगी? आधे घंटे। आधे घंटे। अच्छा जी, इसे थोड़ा सा ब्राउन कर रहे हैं। एक चम्मच। अच्छा, आप तो अपनी दाल के हिसाब से डाल रहे हैं ना, वैसे हसबे जायका डलेगा ना? हाँ जी। आप नमक हसबे जायका? पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच। अच्छा जी, पिसी हुई लाल मिर्च डल रही है और अनाया भी साथ खड़ी हुई है। आप क्या डाल रहे हैं? हल्दी। हल्दी। आधा चम्मच नीचे करें ना। पिसा हुआ धनिया। पिसा धनिया, ओके जी। अब मसाले को क्या करना है? मसाले को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब चने की दाल डाल दी आपने। अच्छा जी, दाल जो है अब इन्होंने डाल दी है हांडी में, शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही है भाई। इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा, ठीक है? लगा के ठीक हो गया। आधा गिलास पानी डालेंगे इसमें। अच्छा, आधा गिलास पानी इसमें डाला है और अब ये इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हो गई? हाँ जी, दाल ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें जी, इन्होंने ढाबा स्टाइल क्या किया है, ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई है। ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाई है, सॉरी। अच्छा जी, अब ये डिश आउट करेंगे। हाँ जी, ऑयल आ गया है, ठीक है। तो अब ये डिश आउट करते हैं, तो उसके बाद आप क्या प्रेजेंटेशन भी करेंगे? चलें ठीक है, तो ये डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखा। वाह भाई, दाल तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, क्या डाल रहे हैं आप? हम पिसा हुआ गरम मसाला डाले। पहले नहीं डाला था, अभी डाले? ठीक है। अच्छा जी, ये हमने हरी मिर्ची काट के रखी हुई है, ठीक है। अब ये हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये अदरक,
थोड़ा तेज तो बोले ना आप क्या डाल रहे हैं। ये अदरक है, अदरक को इन्होंने चॉप करके रखा है। ये देखिए ये जी हम लेमन इस तरह लगाएंगे इतनी दूर दूर करके। हाँ तो दूर दूर है ना। अच्छा जी, और चाहें तो इस पे लीमू को निचोड़ के भी खा सकते हैं। तो ये थी जी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल जो हमारे हस्बैंड ने बनाई है। ढाबा स्टाइल चने की दाल, ढाबा स्टाइल चने की दाल। हाँ जी, ये था आज का हमारा छोटा सा कुकिंग का व्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। अल्लाह हाफिज़।